एक वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में। टेलीफोन एक्सचेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सर्किट है, और सर्किट सबके घर में अलग अलग जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वायर है, एक वायर जो है एक कस्टमर के पास जाएगा, ये दूसरा वायर है दूसरे कस्टमर के पास जाएगा। इस तरह से काफ़ी डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, फिर भी सबका नंबर के कारण हम इसको पहचान लेते हैं। सबसे पहले आपको मेन सर्वर से हम बताते हैं कि कैसे काम करता है। यहाँ पे अभी दिखाया, खोल के दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे है एक फाइबर है जिससे ये कनेक्टेड है, मतलब फाइबर से क्या हो गया, ये ऑल इंडिया कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, जिसके कारण ही आप एक जगह से दूसरे जगह पे बात कर लेते हैं। और दूसरे में आते हैं हम, ये कार्ड है उसके साथ ही कनेक्टेड है, ये कार्ड से होके जाता है यहाँ पे देख सकते हैं ये सब नंबर है, ये जितना भी ये केबल है ये अटैच है यहाँ पे जाके, जिसके थ्रू ये आ गया एक्सचेंज में। आने के बाद आप देखिए ये एक में 100-100 का है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक में 1 से 10 तक है, फिर 10 है। इस तरह से अभी ये काफ़ी करीब 2000 नंबर यहाँ पे एक्सचेंज में अभी रनिंग है। अभी दिखाएंगे, अभी पीछे में आप थोड़ा बताइए कि ये काम कैसे करता है। पीछे में जो लाइन है एक हिल साइड है, हाँ, जहाँ जहाँ वो लाइन में जाता लोकेशन में जाता है, ये लाइन में जाता है। और ये आप मालूम कैसे करते हैं कौन सा कहाँ से जा रहा है? आशावारी जितना लाइन है उधर में जाता है वो डीजी का, वो बसंत लाइन में जाता है, ये आराना और बसंत, ये आशावारी वो एनआईएल साइड में, वो मतलब ये सब लिखा, मतलब सब पहले से लिखा हुआ लिखा है सब लिखा जैसे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आराना एक कॉलोनी है, वैसे डी एक कॉलोनी है, ये डी टाइप का है। और इसमें आप कैसे मालूम कर लेते हैं कि कौन सा नंबर, एक रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर होता है एमडीएफ बटन, हाँ, थोड़ा रजिस्टर आप दिखा के बता सकते हैं कैसे वो काम करता है रजिस्टर। ये देख लीजिए यहाँ पे अभी काफी कनेक्शन है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है उसके बाद आप डायल टोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज है, इसमें टेलीफोन आप देख सकते हैं, बहुत सारा टेलीफोन है अभी यहाँ पे देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपको 1 से 10 तक कनेक्शन है, 10 तक देखिएगा तो आप देखिए यहाँ पे ये BAA बसंतक टाइप का होगा, जिसमें 1A में ये नंबर मिल जाएगा, उसके बाद 8A में वो इतना सारा नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्टर की हेल्प से हम सारा नंबर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे कनेक्शन है। और ये अभी देख लीजिए ये वाला है, अभी यहाँ पे है एक्सचेंज का है, ये BSNL का, ये 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर और ये 4 नंबर, इसमें सब में कनेक्शन है। ओके, थैंक यू।